श्री सुबोत्र पाठक जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपके माध्यम से एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं ध्यान सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, भारतीय चंदन दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तमाम शायरों और साहित्यकारों ने भारतीय मलयागिरी चंदन की अपने अपने तरह से व्याख्या अपने साहित्य ग्रंथों में की है। प्रत्येक वर्ष लगभग 3000 मीट्रिक टन चंदन की लकड़ी से तेल निकालने का काम किया जाता है, जिसमें एक मीट्रिक टन लकड़ी से 47 से लेकर 50 किलोग्राम तक चंदन का तेल प्राप्त होता है, जिसमें एक किलोग्राम तेल का बाजार मूल्य लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है। हमारी सनातन संस्कृति में चंदन का उपयोग ईश्वर की आराधना में होता है, साथ ही आयुर्वेद, कॉस्मेटिक, इत्र आदि के उपयोग में भी आने के कारण चंदन की लकड़ी और तेल की भी दुनिया भर में भारी डिमांड है। माननीय अध्यक्ष जी, आज डिमांड के सापेक्ष हम बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। जिस चंदन को दुनिया में हमारे ऋषियों मुनियों ने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अंतिम संस्कार में सर्वोच्च स्थान दिया, वही आज हमारी नीतियों के कारण हमारी अपनी ही बाजार में हमें बाहर से आयात करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2000 के पूर्व तो चंदन का पेड़ काटना भी अपराध की श्रेणी में था। कुछ नियमों में शिथिलीकरण हुआ जरूर, पर आज भी बहुत जटिलता है। वर्ष 2000 से पहले बड़ी मात्रा में तमिलनाडु सरकार के द्वारा चंदन की लकड़ी का ऑक्शन किया जाता था, जिसमें अपनी जरूरत के हिसाब से वन विभाग से अपने काम के लिए चंदन की लकड़ी खरीदारी कर लिया करते थे, किंतु वन विभाग के द्वारा चंदन के पेड़ में रुचि न लेने के कारण यह विलुप्त की कगार पर आता जा रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में विश्व बाजार में चंदन निर्यातक के रूप में अपना स्थान मजबूती से बना लिया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि आज जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया ने 13,000 हेक्टेयर से भी अधिक में हमारे भारत के चंदन के लगाकर और वो हमारे यहाँ ही निर्यात कर रहे हैं, हमारे देश में भी इसको बढ़ावा मिले और इसको लगाने का काम हमारी सरकार के द्वारा हो। धन्यवाद।